ये है, कल हमने जनरल रूल्स डिस्कस किए हुए थे और साथ में जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस डिस्कस हुए थे, ठीक है, नरेशन पे। ये 2-3 दिन इसी पे हम कर लेंगे नरेशन को अगेन, ठीक है। तो आज जो है मैं नेक्स्ट जो काइन है नरेशन की, उसकी तरफ मूव करता हूँ। उधर भी जनरल जो रूल्स हैं वो बता के एक दो एग्जांपल्स लेके इस तरह कर लेते हैं जिस तरह कल हमने किया था। ये हमने डिस्कस किया था असर्टिव सेंटेंसेस जो आपके सामने हैं। इसके बाद हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, यानी नरेशन पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे किया जाए उसके मुतलिक हैं। तो अब इधर क्या है, वही स्पेसिफिक जनरल जो कल रूल डिस्कस हो गए हैं वो तो अप्लाई होंगे। वो कौन से थे, प्रोनाउन के थे, एडवर्ब के थे और टेंस के थे, ठीक है। इसके अलावा अब जो है इसके अंदर आके खुसूसी जो 3 इसके अपने रूल्स हैं वो यहाँ लिखा भी है, किसी को पहले से याद नहीं है तो वो है सेड टू को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे। तो इसमें ज्यादा ये करे कि आप आस्क में ही लिख ले, ठीक है। इंक्वायर्ड, इन्वेस्टिगेटेड वगैरह भी यूज होते हैं, ठीक है, बुक्स में देखेंगे तो ये मसला। फिर वो सेंटेंस की नौयत देख के लगाना होता है, कहाँ इंक्वायर लगता है, कहाँ इन्वेस्टिगेशन लगता है, तो वो छोड़ दे उसको। जनरल जो है वो आस्क्ड है, ठीक है। सेट को आस्क में चेंज करें, कॉमा को हटा के इफ या वेदर लगाए, ठीक है, तो वो सिर्फ उस सूरत में लगता है। ये भी नीचे आके रूल में डिस्कस है, WS जहाँ जहाँ है तो वहां पे इफ या वेदर नहीं लगता है। अगर डायरेक्ट ऑक्सिलरी से क्वेश्चन स्टार्ट है उसमें इफ या वेदर लगता है, कॉमा हटा के अब इसमें इफ या वेदर डेट नहीं लगेगा, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क रिमूव होगा। तीसरा रूल ये है कि क्वेश्चन मार्क को हम रिमूव, रिमूव का मतलब ये है सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी को चेंज, और सब्जेक्ट पहले लेके आएंगे, ऑक्सिलरी बाद में लेके जाएंगे, ठीक है। और सवालिया फिकरात में जो WH उसने लिखा है, ये देखो फोर्थ में अल्फाज हाउ भी उसके साथ इंक्लूड है, ठीक है, वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। तो उस सूरत में फिर जो है ये बजाद खुद कनेक्टर बनते हैं, कामों को हटा के खुद से ही ये लगते हैं, बाकी किसी इफ या वेदर को लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये बातें हैं, ये प्रैक्टिकली आप एग्जाम्पल पे देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है ही सेट आर यू बिजी, ठीक है, तो अब इसमें ही सेट की जगह क्या आएगा, ही आस्क्ड, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑक्सिलरी से स्टार्ट है तो आप इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप इफ लगाओगे, ठीक है, ही आस्क्ड इफ आई वॉज बिजी, ठीक है। तो यू की जगह जो आया रहा था वो पहले आया, देखो ये इस तरह इन्वर्ट होता है, सब्जेक्ट आर की जगह गया, आर की जगह जो भी आता था वो सब्जेक्ट की जगह आ गया है, तो क्वेश्चन मार्क ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। अब सेंटेंस जो है वो सादा जुमला बना है, पॉजिटिव सेंटेंस बना, ही आस्क इफ आई वाज बिजी। इसी तरह आई सेड हैव यू डन योर ड्यूटी, तो आई इंक्वायर्ड इफ ही हैड डन हिज ड्यूटी, या आई आस्क वेदर या इफ, जो भी है इन दोनों में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, इफ लगा लो या वेदर लगा लो। तो आई आस्क्ड इफ ही हैड डन हिज ड्यूटी, ठीक है। इसी तरह जो है ये WH की एग्जांपल जो है, इसके बाद में एक्सरसाइज की एग्जांपल, ये WH इधर कोई इफ या वेदर अब नहीं लगा होगा, ये देखो, ही सच व्हाई आर यू लॉफिंग, तो ही आस्क्ड व्हाई ही वाज लाफिंग, ठीक है। तो अब इफ आई व्हाई ही वाज या वेदर व्हाई ही वाज नहीं लगेगा, ही आस्क्ड व्हाई ही वाज लाफिंग, तो वो डायरेक्टली क्या हो गया है, जो कनेक्टर आया था WH की सूरत में वो बजात खुद उसी में आ गया है, कोई इफ या वेदर नहीं लगा है, ठीक है। अब ये देखें, ये इसमें सॉल्व एक्सरसाइज भी है, अनसॉल्व जो बुक पे करवाए गए वो बुक पे आपको दिए गए हैं वो भी हैं, ठीक है। ये सारे वही हैं जो हमने पहले किए हुए हैं, आपको याद भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, शी सेड इज दिस योर बुक, ठीक है, तो ये क्या है, ये डायरेक्ट ही आस्क्ड मी इफ दैट वाज माय बुक, ठीक है। दिस यानी दैट में चेंज होने वाला रूल है,
तो इसी वजह से वो डेट आया है। तो वो इस डेट को आपने वो डेट नहीं समझना है जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कामा हटा के डेट लगाते हैं। ये डेट वो एडवर्ब की चेंज वाला रूल के तहत जो है डेट आया हुआ वो डेट है, ठीक है। इसी तरह से अब हम आगे मूव कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड डू यू हैव एनी शेयर इन दिस फॉर्म, ही आस्क्ड इफ आई हैड एनी शेयर इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो डू यू हैव, डिड यू, ये दोबारा लाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बेसिक ऑक्सिलरी आपके पास यहाँ हैव है, ठीक है। तो डू को आप इग्नोर कर लेते हैं, ही आस्क्ड इफ आई हैड एनी शेयर इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो ये सारे ये फिर से बताने की जरूरत नहीं है। ये इसमें अगर किसी सेंटेंस में किसी बच्चे को मसला है प्री बोर्ड के लिए याद करते हुए अगर आपको मसला लगा था या अभी, तो वो मुझे इंडिकेट करके आप लोग पूछ सकते हैं हैंड रेस करके, ठीक है। अदरवाइज इसको दोबारा से फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी बोर हो जाएंगे वैसे। तो इसको देखिएगा जरूर, देख के फिर जो है कोई ऐसा कंफ्यूज सेंटेंस हो तो वो फिर मेरे से डिस्कस कर ले, ठीक है। ये भी एक्सरसाइज भी है, देखो यहाँ पे ये इसको भी करने की ना कोशिश कर ले, अगर इसको आप क्योंकि हो जाए प्रैक्टिस हो जाए तो कोई भी टेंस किसी जगह पे भी किसी उसमें टेस्ट में आ जाते हैं तो आप लोग कर सकोगे इसलिए है, ठीक है। जिस तरह ये फर्स्ट है, अगर मैं आप लोगों से पूछ लूँ तो शी सेड विल यू हेल्प मी इन माई डिस्ट्रेस, ये कोई बता सकता है तो हैंड रेस करें। क्या होगा जी, चले मैं बता देता हूँ, शी आस्क्ड, ठीक है। अब यहाँ पे कोई चीज आगे मी या आई कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो यू जो है आई या वी में चेंज होता है। तो विल यू हेल्प मी, अब उसमें मुराद एक बंदे को ही कहा होगा तो क्या होता है शी आस्क्ड, ठीक है। इफ आई वुड हेल्प हर, मी उसने अपने लिए कहा है, आप हर लगा देंगे तो शी आस्क्ड If I would help her in her distress, ठीक है। If I would help her in her distress, ठीक है। इसी तरह second, he said to his wife, why did you beat the baby, ठीक है। ये कौन करेगा, किधर गए हो, जी अलीजैन कर सकते हो ये, एयान? यस सर, हाँ ये कर लेना, ये ट्राई कर ले, दो मिनट सर। शुरू में सर वही होगा ना कि he asked his wife, जी जी he asked his wife, ठीक है, good। Why did you beat the baby? आगे हो जाए कि why, सर इसका ये होगा ना, he asked his wife why had he had beaten the baby, ठीक है। नहीं ये she आएगा sorry she हाँ हाँ good, very good। चले ठीक है, सब मिलके एक कर लिया है, इसका होगा he asked his wife why she had beaten the baby, ठीक है। उस वाइफ को कह रहा है, वो अपने आप को खुद ही कह रहा है। तो ये सारे ना आप ट्राई करके देख लेंगे, देखे वो
कोई दूसरा सेंटेंस आ जाता है तो फौरन आप लोग जो है वो सोच में पड़ जाते हैं, तो इसका फिर आप फ्रिक्वेंटली रूल याद है ना तो वो फौरन से होना चाहिए। ये आप घर से ट्राई कर लेंगे, ठीक है, ट्राई करके देख ले, क्योंकि वो हर जगह तो ये पंजाब टेक्स बुक बोर्ड के वो सवाल तो उठा के नहीं पूछ सकते हैं ना आप, फिर आगे टेस्ट देना है एडमिशन के लिए, उसके लिए तो कोई भी कहीं से रिटर्न से आ सकता है, तो फिर उधर मसला ना बने, ठीक है। इसीलिए मैं एक्स्ट्रा चीजें आप दो, ये आपके बोर्ड में नहीं आएंगे, मुझे पता है ये 10 sentences, लेकिन ये बोर्ड में नहीं आने का मतलब ये नहीं है, आपको फिर भी आना चाहिए क्योंकि आपने तो एडमिशन टेस्ट भी देना है, बहुत चीजें करनी है, तो उधर कोई भी जुमला कोई बंदा पूछ सकता है, ठीक है, उधर फिर ये बुक से ग्रामर एंड कंपोजिशन उठा के नहीं पूछ सकता। तीसरा है उसको भी थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद वाइन अप कर लेते हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, अब इम्पेरेटिव के अंदर क्या है, उसे डिफरेंशिएट करने के लिए उसको डिफाइन किया गया है बाकी सेंटेंसेस से, क्योंकि वो तो स्ट्रक्चरली तो सेम ही हमें एक सेंटेंस लगता है, ठीक है, लेकिन फंक्शन वाइज क्या होता है, फंक्शनली ये डिफरेंट सेंटेंसेस बन जाते हैं। कैसे, कोई हम किसी को पॉजिटिव कहते हैं, किसी को इंट्रोगेटिव कहते हैं, किसी को इम्पेरेटिव कहते हैं, किसी को एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, तो इनको इनकी डेफिनेशन की वजह से कहते हैं। वो डेफिनेशन अगर किसी सेंटेंस में फुलफिल्ड है तो इसका मतलब है वो काइंड ऑफ सेंटेंस दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल अब इम्पेरेटिव की जब हम बात करते हैं तो इसमें या कोई रिक्वेस्ट होगी, आर्डर, कमांड, सजेशन, एडवाइस या फॉरबिडन कोई चीज, मना की गई होगी, ठीक है, किसी चीज से मना किया गया होगा, तो ये चार पांच जो किसी भी सेंटेंस में फंक्शंस हो इस सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव कहते हैं। अगर आर्डर का आंसर है तो वो इम्पेरेटिव है, अगर रिक्वेस्ट का है तो वो इम्पेरेटिव है, एडवाइस है तो इम्पेरेटिव है, फॉरबिडन है, ठीक है, तो वो इम्पेरेटिव है, कोई सजेशन है, प्रपोजल है, तो ये सारे क्या है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो इनको करने के लिए क्या तरीका होता है हमारे पास, इनका तरीका ये होता है कि हम इन्वर्टेड कॉमास जो सेट है, सॉरी सेट से स्टार्ट, सेट अगर ऑर्डर है तो वो ऑर्डर्ड, ये चार खानों, ये चार ए बी सी डी में लिखा है देखो, और ऑर्डर है ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट समझते हैं तो रिक्वेस्टेड, एडवाइस है तो एडवाइस्ड, फॉरबिड है तो फॉरबिड, इसी तरह सजेशन है तो सजेस्टेड, ठीक है, कमांड है तो कमांडेड, बाज़ औक़ात कमांड भी आ जाता है, ठीक है, तो ये इसी सूरत से होता है। इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप टू लगा लेते हैं, ठीक है, इसके साथ आपने टू लगाना होता है इन्वर्टेड कॉमा हटा के, बाकी जो है टू जब लगता है तो आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये उसके स्पेसिफिक रूल्स में बता रहा था। अब आते हैं एग्जांपल सेंटेंस के ऊपर, तो एग्जांपल सेंटेंस जो मेरे पास है यहाँ पे वो है, ही सेड टू मी प्लीज शो मी द वे टू द मार्केट, तो अब अगर प्लीज का लफ्ज आता है तो वो जरूरी तौर पर रिक्वेस्ट है, तो आप क्या कहेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू शो हिम द वे टू द मार्केट, टू टू लगा है देखो कामा हटा के, और सेट जो है वो अपने जुमले के फंक्शन के हवाले से रिक्वेस्टेड में चेंज हुआ है, ही सेट गेट आउट, तो अब गेट आउट डायरेक्ट लफ्ज होता है तो वो ऑर्डर या कमान होता है, तो ही ऑर्डर टू गेट आउट, ठीक है। तो इसी तरह ये डू नॉट वाला होता है ना, ये या फॉरबिड से करते हैं या नॉट टू से करते हैं, दो तरीके मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, ही सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम, एक तो जिस तरह इन्होंने किया दो तरीकों से यहाँ भी किया, ये देखो ही फॉरबिड टू वेस्ट माई टाइम, या ही सजेस्टेड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, जिस तरह सेकंड सेंटेंस इसी तरीके से किया है, ये देखो ही सेड Do not tell a lie. He advised not to tell a lie. ठीक है, तो not, do not, not to में चेंज करके भी कर सकते हो, और forbid या advised जो भी जुमले का फंक्शन है उस हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आया होगा मैं क्या कह रहा था। इसी तरह यहाँ देखो, यहाँ भी किया है, यहाँ मैं कर्सर लेके गया हूँ, He said to me, do not make a noise and keep quiet. He ordered me not to make noise and keep quiet. और दूसरे तरीके से क्या हुआ, He forbade me
टू मेक अ नाइस एंड कीप क्वाइट. ठीक है, फॉरवर्ड का लफ्ज लाते हो तो वो बाजार खुद मना है, तो नॉट लाना नहीं चाहिए. ठीक है, तो ये जो जो तरीका आपको आसान लगता हो इसी तरह से आप लोग कर सकते हो. अब इसमें एक इजाफी जो बात है वो है लेट के हवाले से. ठीक है, लेट, अगर लेट जो है, लेट या प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज होता है लेट भी. ठीक है, यानी लेट से मुराद लेट्स गो. अब मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि जाना चाहिए. ठीक है, लेट्स डू द वर्क टुगेदर, तो ये मैं एक प्रपोज कर रहा हूँ किसी को कि ये काम हम इकट्ठे करें. ठीक है, तो प्रोपोजिशन है, तो इसीलिए लेट को हम लेट, जब भी लेट वाले इंपेरेटिव ज्यादा होते हैं, ही सेड लेट्स गो फॉर गो टू द रिवर, तो ही प्रपोज दैट दे शुड गो टू द रिवर. तो लेट होने की वजह से एक और चीज आपको मिल गई, लेट वाले जुमले फिर कामा हटा के देट से होंगे. एक बात ये है, आगे शुड लगेगा और लेट खुद जो है वो प्रपोज में चेंज होगा. अगेन रिपीट करता हूँ, लेट proposed या suggested में चेंज होगा, inverted comma हटा के देर लगेगा. याद रखें सिर्फ और सिर्फ imperative के let वाले जुमलों में, बाकी को देर नहीं लगाना है, बाकी में to लगेगा. इसके बाद जो है should का इजाफा, क्योंकि should suggestion को जाहिर कर रहा है. ठीक है, जिस तरह उन्होंने किया है, he proposed that they should go to the river, he said let's go for a walk, he proposed that they should go for a walk. ठीक है, तो ये अब एक्सरसाइज जो आपके बुक का एक्सरसाइज है वो है ये, वन पेज नंबर भी उन्होंने मेंशन किए 173 जो है ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक इसके. तो ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज से समथिंग, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू से समथिंग. ठीक है, तो ये सारे आपके पहले से किए गए जो सेंटेंसेस हैं वही हैं जो पहले से आप लोगों ने किए हैं. इस पे ज्यादा मैं अब वो लेट वाला में एक दो दिखा के, ये देखो आखिर में उसके लेट का एक्सरसाइज में भी शामिल है, वो ये वाला है. शी, यहाँ पे शी सेड टू देम लेट अस नॉट डिसीव आवरसेल्व्स, तो शी सजेस्टेड देम दैट they should not deceive themselves. ठीक है, they आया है तो themselves. क्लियर, तो ये था इम्पेरेटिव का. इम्पेरेटिव पे हम स्टॉप कर देते हैं. इसका भी ये देखे यहाँ पे एक्सरसाइज है उसी हवाले से ही. इसका फर्स्ट है the officer said to the candidate prepare well for the interview. कौन बताएगा इसका? जी गुड, ट्राई कर लें. जी मुजम्मिल, सर ऑफिसर वाला करना है ना? जी जी, वो ऑफिसर वाला, फर्स्ट वाला. द ऑफिसर ऑर्डर्ड द कैंडिडेट्स दैट इंटरव्यू. गुड, वेरी गुड. ठीक है, एडवाइज द कैंडिडेट टू होता है. ठीक है, मिल. इसी तरह नेक्स्ट जो है ये जो है The servant said to me, third, kindly grant me leave for 1 week. ठीक है, ये बताएंगे. कौन बताएगा? सर. जी जी. जी बताएं. बासिम बताओ, बासिम. ट्राई कर लो, ट्राई करने में हर्ज नहीं. अहद खान, ये बच्चे आप नाम ये सीधा लिखे, ये मुझे तो समझ आ रहा है लेकिन मैंने आगे सेंड किया तो फिर
सर जो हैं वो पूछेंगे ये फिर कौन है, तो ये चेंज कर ले, अभी मैं अटेंडेंस लेने वाला हूँ, उसके बाद फिर जो है मैं अटेंडेंस लूंगा। ये सीधा ये ए सही से ए एच ए डी लिखते हैं, ठीक है, ये फिर सर को नहीं समझ आएगा। ठीक है, इसका अब मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं अटेंडेंस लेता हूँ, फिर लीव कर जाते हैं। किधर गया है, ये था द सर्वेंट सेड टू मी, ठीक है, काइंडली ग्रांट मी, अब सर्वेंट है तो रिक्वेस्ट होता है, ठीक है, द सर्वेंट रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, टू ग्रांट हिम लीव फॉर 1 वीक, ठीक है, कितना इजी है। इसी तरह शी सेट, ये 8 थे, शी सेट लेट मी गो होम बिफोर दस्क, दस्क किसे कहते हैं, शाम को, ठीक है, शाम के टाइम का मंजर जो होता है, सूरज अभी ग्रूप हो रहा है, उसका डस्क कहते हैं, ठीक है, तो शी सेट लेट मी गो टू होम बिफोर डस्क, तो अब यहाँ पे क्या होगा, शी सजेस्टेड मी दैट वी शुड गो होम बिफोर डस्क, ठीक है। चले अब इस तरह कर लेते हैं, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, उसके बाद आप लोग जो हैं लीव कर लेंगे, ठीक है, आप एक मिनट के लिए रुकेंगे अटेंडेंस लेके। ठीक है, अटेंडेंस हो गई है, अब किसी को सवाल है तो रुके, कोई अगर जाना चाहता है तो फिर आप लोग लीव कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।